मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं ग्राम पंचायत चांदपुल लोटसपुर का रोजगार सेवक हूँ। ये परसों आए थे, परसों से एक दिन पहले, तो उन्होंने बोला था कि 10 रुपया कार्ड लगेगा। अच्छा, फिर जब टीका लगने आया तो जानकारी मिली बाद में, फिर जब कार्ड बनने के बाद उसी दिन कि 50 रुपये लगेगा प्रति टीका। तो मैंने सोचा कि ये स्वास्थ्य विभाग से हैं तो चलो उसमें हॉस्पिटल में पता कर लूँ। ये जानकारी की तो मालूम पड़ा ये कि इनका वही ख़त्म हो गया है, तब भी लगा रहे हैं। मेरे को जानकारी नहीं थी कि ख़त्म हो गया है, वो क्या कार्ड है क्या इनका। सेवा संस्थान है, हेपेटाइटिस के टीके लगवा रही है गांव में। आप इसको बता रहे हैं प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम कर रही है। ये अगस्त में इसको आदेश किया गया था और परसों इसका आदेश कर दिए गए हैं, इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। अब इसको ये लगा रही है तो गलत लगा रही है। गलत लगा रही है तो इस पर कोई कार्रवाई करेंगे सर? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित एक एनजीओ के कर्मियों द्वारा लगातार गाँव में जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। आज लोकसपुर चांदपुर गांव में ग्रामीणों ने इन कर्मियों का विरोध कर दिया। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन कर्मियों व एनजीओ पर क्या कार्रवाई करता है। वीरेंद्र पांडे, ईटीवी भारत, एटा।